छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में सीकर के नीमका थाना कस्बे के गोवर्धनपुरा निवासी हेड कांस्टेबल बना राम शहीद हो गए, जिनकी पार्थिव देह आज नीमका थाना पहुंचेगी। सीआरपीएफ कंट्रोल रूम से परिजनों को बन्ना राम की शहादत का पता चला है, जिसके चलते गांव गमहीन हो गया है। बन्ना राम के परिजनों ने बताया कि 26 साल पहले 1991 में फौजी के रूप में बन्ना राम भर्ती हुआ था। जुलाई 2016 में उनकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में हुई। बन्ना राम डेढ़ माह पहले ही छुट्टियां बिताने के लिए गांव आए थे और दोबारा जल्दी आने की कहकर चले गए। हेड कांस्टेबल शहीद बन्ना राम का जैसे ही गांव में सूचना मिली, छत्तीसगढ़ रायपुर में सुकमा में कार्यरत थे और पूरा गांव में शोक की लहर फैल गई। बहुत ही हंसमुख और जुनून वाले मेरे साथी थे, मेरे क्लास फेलो रहे हैं। जैसे ही गांव वालों की सूचना मिली, गांव को दुख भी है और गांव के पहले शहीद हैं। पूरा गांव अपने लाडले की सभी यात्रा के लिए इंतजार कर रहा है कि जैसे वो गाँव आए उनके ऊपर पुष्प वर्षा गाँव करें। ये जो गुरुवार जो चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, ये एक जहर है और इस जहर को हर आदमी नहीं मिटा सकता, गवर्नमेंट सरकार मिटा सकती है। और शहीद होता है वो शहीद तो होता है देश के लिए, लेकिन उसकी पीड़ा जो है या उसकी जो समस्याएं हैं वो तो परिवार झेलता है। इसलिए गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कदम उठा करके और इस उग्रवाद को, इस नक्सलियों को खत्म कर देना चाहिए।